जो पीटीएस डिक्लेयर हो जाते हैं बच्चे, पीटीएस मतलब पुट टू स्लीप, मर्सी किलिंग के लिए जो बच्चे डिक्लेयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट के बाद, वो पैरालाइज हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं या उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, तो वो ह्यूमंस की लैंग्वेज में उन्हें बोला जाता है कि स्पेशल चाइल्ड, और हम लोग भी इन्हीं को स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। इनकी टेक केयर करना और इनको एक चांस और देना है, सीधा पीटीएस डिक्लेयर करने से बेटर है कि एक चांस देके देखें, शायद वो बच जाएं, और 99% बचते भी हैं। मैं 11th क्लास में थी तो मेरे घर के बाहर जो डॉग्स थे उनको मतलब सब बेहोश हो रहे थे, तो बहुत टेंशन हो गई थी क्या हुआ, फिर एक मर गया, फिर दो मर गया, तो उस समय पे मैंने डॉग्स वगैरह जितने मैं उठा सकती थी उठा उठा के रिक्शे में डाल डाल के मैं वहाँ पे ले गई थी, तो उन्होंने बोला कि इनको पॉइजन हुआ है। पता चला कि ये भी चीजें होती हैं, लोगों को अगर अपने गली से अपने एरिया से डॉग्स को हटाना है तो वो खाने में पॉइजन मिला के दे देते हैं। जो मेरे पास जर्मन शेफर्ड है वो 12 साल का है, जो मैंने उसको टिक फीवर था जब मैं गई थी, तो शॉप वाला कह रहा था ये नहीं बचेगा और ये तो मरेगा ही मरेगा, तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों मरेगा, आप इलाज तो कराओ, तो कह रहे अरे इनके ऊपर इलाज कराने से अच्छा है जो और बच्चे हैं उनको नहीं हम लोग इलाज कराएंगे, तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप ऐसा करो या मुझे दे दो, इलाज कराया और वो बच्चा बच गया, आज 12 साल का है मेरे पास। पर उससे मेरा जो है ना माइंड डाइवर्ट हुआ कि हाँ हम इन कुछ भी बीमारियों बड़ी से बड़ी बचा सकते हैं। मैं जहाँ पर गाजियाबाद में जिम करती थी, तो वहाँ पर था कि जिम के बाहर कोई जो ना 4-5 पपी फेंक गया था, तो उनको लेके टेंशन हो गई, तो मैंने उनके लिए भी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉल करे कि ऐसे यहाँ पपी फेंक गए, उसमें मुझे यही जवाब मिला तो हम क्या करें। फिर उसको लेके मैं अपने ही डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रीतपाल जो बता रही हूँ उनके पास गई, वहाँ पर उसका इलाज कराया, वो सही हो गया। फिर मैंने इसके लिए स्टडी करनी शुरू करी पैरालाइज के बारे में, कई साल मैंने मतलब जितना स्टडी कर सकती थी हर तरीके की स्टडी करी, वाटर थेरेपी फिजियोथेरेपी, वो सही होगी। मेरे पास हो गए 6-7 बच्चे घर में, अब वो लैंडलॉर्ड से लड़ाई होनी शुरू हो गई, आस पड़ोसी चिल्लाना शुरू हो गए। उस समय पे ये था कि रोहित और मैं हमेशा सड़कों पे खाना खिलाना रेस्क्यू करना, डे नाइट हमारी सब बराबर थी। वो वहीं पर ही रोहित जो है वहीं पर ही रहते थे इंदिरापुरम में, मैं भी वहीं पर ही रहती थी, तो जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो तुरंत चल पड़ते थे, ऐसा कोई इशू नहीं कि रात है बेरात है। उसके बाद ये हुआ कि हमें एक केस मिला, तो उस केस के लिए मुझे किस रैंडम कॉल आई शुभली भल्ला की, पैसा मैं लगाती हूँ, मेहनत आप लोगों की है और आप लोग शुरू करो। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने मुझे एक मतलब मिलकर हमारे साथ एक हमने फ्लैट ले लिया, उस फ्लैट में हमने वो 7 बच्चे जो मेरे घर में थे जिनकी वजह से बार बार मुझे घर से निकाल दिया जाता था, वो बच्चे रखे, जो अब मुझे सड़क पे दिखता था और जिसको ये बोल दिया पीटीएस वो बच्चा मेरे पास रहेगा। 90% जो बच्चे मेरे इस समय पे बिल्कुल परफेक्ट है वो उस समय के रेस्क्यू हैं, आज से 6 साल पहले के रेस्क्यू हैं, आज ये 3 साल से हम यहाँ पर हैं। वो छोटे सा एक पपी से शुरू होते 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 आज ये पूरा का पूरा साम्राज्य बना हुआ है। लेकिन दीदी को फॉलो करते करते देखा कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी प्रॉफिट के बच्चों को उठा रहे हैं और उनको एक जीने का नया मकसद, नहीं तो लोग क्या करते हैं उनको मार देते हैं। बरसात होती है तो 3-3 फीट पानी भर जाता है, सीरियसली जो पैरालाइज बच्चे हैं उनका शरीर गलना शुरू हो जाता है, तो वो सब चीज़ें दीदी अकेले ही करती है। अनुराधा मैम बहुत अच्छी हैं और काम भी इस तरह करती हैं कि ऐसा काम तो शायद लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सड़क पे बच्चे दिखते हैं मैम उठा लेती हैं, उन्हें खिलाती पिलाती रहती हैं, अपने बच्चे की तरह पालती हैं। मेरा ये कहना था कि लाइक हम ह्यूमंस में भी ये दिक्कत हो जाती है एक्सीडेंट्स के बाद, तो हम अपने पेरेंट्स अपने भाई बहन उनको तो पीटीएस नहीं करते, तो जब उनको नहीं करते तो इनको क्यों, क्योंकि ये अपने लिए फाइट नहीं कर सकते।